चिड़िया चोंच भरी ले गई घटियों ना नदी अननी धर्म कर्या धन ना घटो कह गए दास कभी बड़ा सुंदर गौ माता का ये अंतर मन का भाव है अपने कन्हैया से कह रहे हैं प्रभु इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला जय गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला और श्रद्धा के अनुसार लो इधर आओ बेटा ये थाली सबके पास जानी चाहिए आपके हाथों से मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने के काज परमार्थ रे कारणे मोई मांगत ना वेलाज आज मनीष भैया की भक्ति संध्या से जब गौशाला में ये राशि जाएगी यार कुछ अच्छा काम किया है इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला जय गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला हो जय गोविंदा गोपाला कर खाया जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला जय गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला हो जय गोविंदा गोपाला क्या बात है क्या सीर हुआ आनंद आ गया कन्हैया से क्या कह रही है गौ हत्यारों का दमन करो या दे दो देश निकाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला हो जय गोविंदा गोपाला एक छोटा सा वाक्य याद आ गया गौ माता के नाम पर एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए अब उस जमाने में कैसे जाते थे ये तो वही जाने वीजा वगैरह बनते थे एक नहीं बनते थे एक NT1 NT90 पता नहीं कौन कौन से वीजा आजकल अमेरिका गए तो वहां पर एक भक्त ने उनसे पूछ लिया बोले बाबूजी आपके भारत देश में सबसे अच्छा दूध देने वाला जानवर कौन सा
स्वामी जी ने तपाक उत्तर दिया, बोले मेरे भारत देश में सबसे अच्छा दूध देने वाला जानवर भैंस, जैसे मनीष भैया कर रहे हैं ऐसे वो भी चौंक गया कि ये क्या बात है। अब उसने सुन रखा था गाय और स्वामी जी ने बता दिया भैंस। बोले बाप जी मैंने तो सुना आपके देश में भैंस सबसे अच्छा दूध देती और आप कहते हैं गाय अच्छा दूध देती और आप कहते हैं भैंस। बोले तेरा सवाल ही गलत, जानवर तो भैंस है, गाय जानवर नहीं है, गाय तो हमारी माँ है। गाय को हम जानवर मानते ही नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने कितना मान सम्मान दिया, इसलिए गौ माता कहने लगी प्रभु से, श्री गीता में जो वचन दिया था उसको आज निभाओ, अब मुरली छोड़ो रास भी छोड़ो, हाथ में चक्र उठाओ, प्रभु हाथ में चक्र उठाओ, वरना न रहेगा मंजुल तुमको। एक कसाई गौ माता को काट रहा था, ये जिंदगी में बहुत बड़े सबक देगी ये बात। कसाई गौ माता ने काट रही हो, गौ माता हंस रही, कसाई बोलो मैं तने मार रही हूं और तू हंस रही है, तुझे हंसी क्यों आ रही है? तब गौ माता ने कहा देख पूरी जिंदगी किसी का बुरा नहीं किया मैंने, पूरी जिंदगी केवल और केवल घास फूस का के पेट भरा है, उसके बाद भी मेरी इतनी बुरी मौत। जिस आदमी ने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया हो, कभी किसी का नुकसान नहीं किया हो, उसके बाद भी उसका मर्डर किया जाए, उसको इतनी बुरी मौत मिले, सोच जिसने कुछ नहीं किया उसे ही इतनी बुरी मौत मिल रही है, तेरी मौत कैसी होगी ये सोचकर मुझे हंसी आ रही। तू ये सोच कि तेरी मौत कैसी होगी। तो गौ माता कहने लगी वरना न रहेगा मंजुल तुमको कोई न भजने वाला, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे बाला धनी का, ये तो कर्म है मेरे बाला जी का, मुझ में तो जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी ओ, उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। बोली सच्ची दरबार की।